काटें, एनिमल गलत हो गया है तो उसे काटें। अब एनिमल को काटना कैसे है? कई बच्चों को काटने वाला मजा आता है। ला ला ला, ला, ला। बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक है और वो है कंटेंट ऑफ द पेपर को इम्प्रूव करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, दृष्टि से, एक ही बात है, दीक्षा से। कैसे दीक्षा? एक सवाल पूछूंगा बेटा, आपकी आपकी शादी स्वयंवर, समझ स्वयंवर, अब तो नहीं होते लेकिन पहले होते थे, तो स्वयंवर के लिए आपकी मम्मी चार लड़के लाई हैं शादी के लिए। आपने उनको पहली बार देखा है आज, उससे पहले कभी नहीं देखा, और आपको अभी इसी वक्त एक लड़का शादी के लिए पसंद करना है। उनमें से कौन सा लड़का आप पसंद करेंगे? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला जो बहुत हैंडसम है, दूसरा जो दिल का अच्छा है। आपसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारा थोड़ी हो रहा है? माना अलाउड है आजकल, आप बताएं। सर, मुझे बताया गया कि सीन का मतलब कुछ नहीं पता, अभी चार आए ऐसे नकाब उतरा है बस, और कुछ नहीं पता आपको। और बिल्कुल, यानी कि आप लुक्स की बात ही तो कर रहे हैं बेसिकली। कोई और इस कमरे में लड़की जो कहे मैं तो उससे करूंगी जिसका दिल अच्छा है? आपको कैसे पता दिल अच्छा है? नहीं पता। तो पहला इंप्रेशन तो कैसा ही होता है, शक्ल का ही होता है। आपके सामने चार लड़कियां हैं, कह रहे चारों डींग हैं, कैसे? नहीं नहीं, कोई एक कोई, अच्छा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। आप बताएं कौन सी लड़की जो सुंदर और मतलब, और सेकंड जो जो दिल की बड़ी अच्छी है, लेकिन क्योंकि आप उनसे पहली बार मिले हैं, आपको कैसे पता वो दिल के कैसे हैं? आपने टाइम स्पेंड तो किया नहीं है उनके साथ। बोलो बेटा, इस कमरे में मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि हम बेटा किस चीज़ पे जज करते हैं? आपको पता है आपका पेपर जो चेक कर रहा है उसको आपका रोल नंबर तक नहीं पता होगा, शायद आप ये बात नहीं जानते हैं। एक शीट मिलती है, वो फाड़ दी जाती है, शीट पे रोल नंबर आता है, सब कुछ आता है आपका, लेकिन वो शीट फाड़ दी जाती है, अलग कर दी जाती है। उसमें ना एक क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, और वही सीरियल नंबर आपकी आंसर शीट पे भी लिखा होता है। वो शीट फाड़ दी जाती है, अब शीट में बचता है सिर्फ क्या, आप जब पेपर दोगे ना आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ जाओगे पहला पेपर देते ही। और जो सीरियल नंबर है ना, आप बस क्या बन के रह गए हो, अब सीरियल नंबर। पेपर चेक करने वाले को ये भी नहीं पता ये कौन से स्कूल का पेपर है, उसको ये भी नहीं पता कि ये कौन से बच्चे का पेपर है, ये बच्चा अच्छा है बुरा है, जो इंप्रेशन है वो क्या है, आपका पेपर है। अब सुनो, जब पेपर चेक करा होता ना, ऐसे स्टैक पड़े होते हैं पेपर के, हर पेपर के मार्क्स मिलते, हर पेपर के उनको पैसे मिलते हैं चेक करने के, पता होगा आपको ये बात। उन्हें पेपर दिखा, उन्होंने कहा अरे यार ये तो इतना गंदा पेपर है, वो कहेंगे इसको बाद में चेक करेंगे, बहुत अच्छा पेपर है इसको अभी चेक करेंगे। बेटा इस कमरे बहुत सारे बच्चों की राइटिंग इतनी प्यारी है, भले वो होशियार ना हो लेकिन पेपर बड़ा साफ करते हैं। इस कमरे में कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत होशियार हैं लेकिन इतना गंदा पेपर करते हैं, इतना गंदा पेपर करते हैं कि चेक करने का मन नहीं करे। तो मैं पेपर से उल्टी आ गई थी मेरे को, होता है ऐसा, होता है। राइटिंग की बात नहीं हो रही, राइटिंग तो कोई नहीं सुधार सकता, बट सुधार सकते हो आप। अब कहाँ, अब क्या एक दिन में दो दिन में एक हफ्ते में क्या करोगे आप? यहाँ बात हो रही है पेपर को कैसे ठीक बनाएं, कैसे बनाएं मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कटिंग ओवर राइटिंग से बचें। अगर हो जैसे कटिंग ओवर राइटिंग कैसे बचें मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेफिनेशन आई बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, क्या आई? आपको डेफिनेशन आती है लेकिन आप फिर भी लिखते हुए कुछ गलती कर देते हो ना, मन में दोहरा लो एक बार, उससे क्या होगा, चांसेस कम है किसके, कटिंग ओवर राइटिंग, चांसेस कम है। अगर हो भी गया कटिंग ओवर राइटिंग तो देखो प्यार से करें। जैसे बेटा ओवर राइटिंग का मतलब क्या है, एनिमल, ओ यहां तो प्लांट आना था, बच्चा कहता है प्लांट, ये तो कोई और प्रजाति बन गई, ये तो हाइब्रिडाइजेशन कर दिया आपने, इसे काटें। एनिमल गलत हो गया है तो उसे काटें। अब एनिमल को काटना कैसे है, कई बच्चों को काटने वाला मजा आता है। ला ला ला, ला, ला। एनिमल गलत हो गया है ऐसे काटा, वहां भी दूर से देखिए ना, कई बच्चे इस तरीके से काटते हैं, चार शीटें नीचे तक कटता है वो, देखा होगा आपने। नहीं करो बेटा, क्यों कर रहे हो ऐसा आप?
पेपर की प्रेजेंटेशन देखो, कटिंग ओवर राइटिंग 100% तो हट ही नहीं सकती, हट सकती है। अवॉइड करने के लिए आंसर को दोहरा लें, आप क्या लिखने वाले हैं, ठीक है हो जाएगी, तो उसे तमीज से काटें। हर आंसर के बाद दो लाइनें छोड़ें। बेटा मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, जब आप दो आंसर के बीच में लाइन नहीं छोड़ते हो ना, वो आंसर पढ़ने का मन ही नहीं करता। सत्य है ये, दो लाइनें छोड़ो, तीन लाइनें छोड़ो, क्या क्या हो गया, क्या दिक्कत है? सारा पेपर आपने थोड़ी बचाना है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पेपर आपका 2.5 घंटे में हो गया, कितने घंटे में आपके पास टाइम काफ़ी है। मेरी रिक्वेस्ट है हर आंसर के नीचे पेंसिल से क्या खींचे। मैं आपको सर, आप कहोगे तो सर बच्चों से बच्चों वाली बात है, बचपन में सिखाया गया था, बेटा ये बहुत इफेक्टिव है, लेकिन पेपर की लुक बदल जाती है, जज्बात बदल जाते हैं, इरादे बदल जाते हैं, हाँ वही सब बदल जाता है, ऐसा लगता है यार पेपर अच्छा है, इसे चेक करते हैं चलो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अपने पेपर का टाइम गवा के ये कर रहे हैं। दो क्वेश्चन छूटने दो, सर ने कहा था लाइनें खींचनी, ऐसा नहीं करना है, प्लीज़ नहीं करना है, गलत हो जाएगा। बोलो बेटा क्या करें, पेपर ख़त्म होने के बाद ये करें, पेपर के कंटेंट को इम्प्रूव करने का। या देखो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सवाल ये है कि पेपर जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर जो चेक कर रहा है, जो पेपर चेक कर रहा है, वो पेपर चेक करने वाला आपको बिल्कुल भी नहीं जानता या जानता है? अगर आपको नहीं जानता तो जो भी आप कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपका पेपर का इंप्रेशन है। यहाँ पे जब हम पेपर चेक करते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सत्य बोलूँगा, इस कमरे में जब पेपर चेक कर रहे होते हैं तो हम पेपर देख के एक इंप्रेशन बन जाता है कि यार इसका पेपर है ना अच्छा ही होगा, इसका पेपर है ना गंदा ही होगा। सत्य है, सत्य है, झूठ नहीं है, इंप्रेशन बन जाता है, क्या करें। अब मैं आपको किसी का नाम लूंगा, मैंने आपका नाम आपके सामने नाम लिया नेहा, कुछ इंप्रेशन तो आया ना, आपके दोस्त है ना, कुछ तो दिमाग में चला होगा ना कि भैया ये लड़की ऐसी है वैसी, क्योंकि इंप्रेशन आप जानते हो, ये तो ह्यूमन नेचर है, तो हो गई। लेकिन वहां पे क्यों नहीं ऐसा करते, क्योंकि भाई कोई बायस ना हो, इसलिए वहां पे टीचर्स को बिल्कुल नहीं बताया जाता है पेपर कहां का है, किसका है, कैसा है, क्यों है, कब है, उनको बस चेक करना है। और फिर सारा का सारा उनको नहीं पता इसने पूरे साल कितने मेहनत की है, ये होशियार बच्चा है, लल्लू बच्चा है, उनके सामने क्या पड़ा हुआ है, वही सब है आपका, जो पूरे साल की मेहनत है वो पेपर है, उसको ढंग से कर लो।